भागदौड़ की जिंदगी में जहां पैसे चकाचौंध को लोग महत्व देते हैं और खेती को नुकसान का सौदा मानते हैं, वहीं सचानंद तिवारी जो बीटेक मल्टीनेशनल कंपनी में काम छोड़कर कृषि को एक उद्योग के रूप में लेकर आज करोड़ों रुपए आमदनी कर रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। परंपरागत खेती से हटकर एक युवक की कहानी हम बताने जा रहे हैं जो बीटेक और अन्य मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छे काम करने के बावजूद भी सभी बड़े पैकेजों को छोड़कर कृषि कार्य की ओर मुड़ गया। लोग आज के समय में जहां कृषि या खेती करना घाटे का सौदा मानते हैं, लेकिन बलरामपुर जिले के इस युवक ने क्षेत्र में खेती का स्वरूप ही बदल दिया और व्यवसायिक खेती के रूप में लोगों के सामने एक मिसाल पेश कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र के आरागाही के रहने वाले सच्चिदानंद तिवारी की। क्षेत्र में जहाँ सिर्फ धान गेहूं जैसी फसलों की खेती की जाती थी, लेकिन इन्होंने इस क्षेत्र में टमाटर खीरा परवल जैसे खेती किए और लोगों को एक अच्छा उदाहरण पेश किया और आज उनसे जुड़कर कई ऐसे किसान हैं जो खीरा और टमाटर से लाखों और करोड़ों की कमाई भी कर चुके हैं। आज हम उनसे जानेंगे किस किस प्रकार का पौधा लगाए हुए हैं और प्लांटेशन भी और तैयार कर रहे हैं, आइए उस किसान से मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सच्चिदानंद तिवारी है, मुझे क्षेत्र में राजा तिवारी के नाम से जानते हैं। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं और 2012 से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसानों की मदद कर रहा हूं। तिवारी जी, देखिए फल के नाम पे आपको आसपास के सभी लोग जानते हैं कि आप अच्छे खेती करते हैं फलों का, उसके बारे में बताइए आप किस प्रकार के कैसा कैसा पौधा लगाते हैं। सर देखिए, हमारा एरिया रेनफेड एरिया है, इसमें हम ट्रेडिशनल खेती से हटकर हमने प्लान किया कि हम यहाँ पे फलों की खेती करेंगे और मैंने यहाँ पे ट्रायल के रूप में आम का, नींबू का, मौसमी का और ऐसे जो एग्जोटिक प्लांट हैं जैसे एप्रिकॉट, एवोकाडो, बाबू घोषा, या फिर अगर मैं कहूँ कि आम में जो वैरायटी अभी बहुत ज़्यादा नाम है आपने सुना होगा, मियाँ जाकी आम जो कहते हैं, 2,70,000 रुपये के जी बिकता है, मैंने उसका भी खेती पौधा लगाया हुआ है। साथ ही 4 kg मैंगो, या मैं बात करूँ केसर मैंगो की बात करूँ, या थाईलैंड 3 Test मैंगो, जितनी एग्जोटिक वेराइटियाँ होती हैं फलों की लगभग सभी का मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ और नतीजा ये है रोबी जी कि आज की डेट पे हम अगस्त एंड पे बैठे हुए हैं और सभी के लिए शॉकिंग होगा कि इस समय भी अगर आम मिल सकता है, क्या वो कच्चा आम, तो आप मेरे प्लाट में देख सकते हैं कि इस वक्त भी मेरे यहाँ पे कच्चा आम आपको उपलब्ध मिलेगा। साथ में आप देख सकते हैं ये मौसमी है हमारे यहाँ, ये आप देख रहे हैं ये कच्चा आम अभी मेरे हाथ में है और ये मेरे फार्म का है। मैं आपको ये भी एक कहना चाहूँ, आप इस ओर कैसे गए, आप कहाँ से इसका प्रेरणा मिला आपको? सर देखिए, हमारी देश की जो पॉपुलेशन है, 1951 में देश की आज़ादी के बाद जब पहले जनगणना हुआ था उस समय देश की आबादी 35 करोड़ थी और आज हमारी देश की आबादी 135 करोड़ है। उस समय हमारे देश में 72% लोग खेती करते थे, आज मात्र 22.6% लोग खेती करते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो 140 करोड़ की जनसंख्या में 12 करोड़ किसान है, यानी कि हर 12 व्यक्ति पे एक किसान है। ऐसे में सभी को दो वक्त का निवाला मिले, ये सबसे बड़ी चैलेंज है और इस चैलेंज को मैं लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि समाज में ऐसा काम करूँ जिससे दो वक्त का निवाला सभी को मिले। और जब मैं बात करता हूँ किसानी की, तो उसमें एक चीज़ देखा जाता है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में लोगों को बेनिफिट नहीं मिलती है, पैसे नहीं मिलते हैं, तो मैं दिखाना चाहता हूँ, और किसान खेती छोड़ रहा है, तो मैं वापस किसान को इस ओर लाना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर में आप एक किसान बन के नहीं बल्कि एक कृषि उद्यमी बनकर अगर काम करते हैं और आप इसको एक बिजनेस के रूप में लेते हैं तो आप एक अच्छा लाभ ले सकते हैं और किसान वापस खेत से जुड़ सकता है ताकि हमारे यहाँ दो वक्त की निवाला सबको आसानी से मिल पाए। तो अभी मैं पिछले 3 सालों में लोगों को फलों की खेती की तरफ लेके आ रहा हूँ, जैसे जिससे यहाँ पे किसान अमरूद जो कि VNR भी ही हो गया, आपका जापानीज रेड डायमंड गुआवा हो गया, इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट किए हैं। आम की वैरायटियों पे यहाँ पे काम लोग कर रहे हैं, नींबू का लगभग यहाँ 50 एकड़ से ज़्यादा में खेती हो रही है और बात करूँ तो यहाँ पे हम पॉली हाउस के माध्यम से गुलाब और झरबेरा का भी कल्टीवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो 2-3 महीने में आपको यहाँ पे लोकली डच रोज़ भी मिलना चालू हो जाएगा। ऐसे तमाम चीज़ें, कलर कैप्सिकम का हम लोगों ने पॉली हाउस के अंदर प्लान किया हुआ है और जुकुनी जो होती है जिसको इंग्लिश कुकुम्बर भी अपन बोलते हैं, उसका भी हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। अरे 2-3 महीनों में ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप अक्सर देखते होंगे सीजन ऑफ होने के बाद आम कहीं नहीं मिलता, लेकिन इनके प्लांटेशन जहाँ ऐसे ही कई पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि आम इस प्रकार से फले हुए हैं, ये बताइए कि ये कब तक आम फलती हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं ऑफ सीजन में तो 3 वेराइटियाँ होती हैं, थाई ऑल टाइम मैंगो की वेरायटी होती है जो आप देख पा रहे हैं मेरे बाजू में, ये लगभग 3.5 फीट का पौधा है।
तो अगर आप पौधे की हाइट कम रखना चाहते हैं तो इसको डेंस में लगा के कर सकते हैं। ये ऑफ सीजन में आपको लगभग 1 से 2 बार आम देगा। आप देख रहे हैं कि अभी आम फले हुए हैं, कुछ आम अभी छोटे हैं और इसमें बौर भी आ रहा है। क्योंकि मुझे प्रोडक्शन में फल का साइज भी बढ़ाना है, इसलिए जो अभी आ रहे हैं फूल उसको हमने झाड़ दिया है। दूसरी वेरायटी की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी वेरायटी हमारे पास लगा हुआ है फाई स्वीट कार्टिमोन मैंगो। ये पौधा साल में 2 बार आम देता है, इसका साइज भी बड़ा होता है और बहुत ही मीठा आम होता है। तो अगर आप इसको पके आम के सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो मैं किसानों को सजेस्ट करता हूं कि आप थाई ऑल टाइम मैंगो की तरफ जाएं। और तीसरा एक आम होता है बारी एले आम, जो साल में आपको इबारा देसी आम है, साल में आपको 3 बार फलन देता है और तीनों बार आप इसकी अच्छी यील्ड ले सकते हैं। पौधा आपका ग्रो करता है और अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो आप दूसरे साल के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि आपका फसल आम चालू होगा। 2.5 लाख रुपए किलो आम, ये हमारे दूरस्थ ग्राम वाचो में ऐसा संभव नहीं है कि आप बोले हैं कि 2.5 लाख रुपए किलो आम, उसका पौधा कैसा होता है? पहले तो मैं कहूँ कि मैं 2.5 लाख रुपए केजी नहीं कहता हूँ, गूगल कहता है कि जापान की एक आम है जिसको मियाजाकी आम कहते हैं, जो दुनिया का सबसे महंगा आम कहलाता है, उसका पौधा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। उससे पहले उसके बारे में बताऊँ कि एक ऐसा आम है जिसका टेस्ट 2 तरह का आता है। एक तरह जिधर धूप पड़ेगा उसका टेस्ट अलग होता है और जिधर छांव होता है उसका टेस्ट अलग होता है। तो आइए मैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उस आम के बारे में जो काफी ख्याति ले चुका है, 2,70,000 रुपए केजी वाली आम मियाजाकी आम। दर्शकों के दिखाने इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि बलरामपुर जिला बहुत पिछड़ा इलाका है और यहाँ पे अगर 2.5 लाख रुपए किलो का आम अगर हमारे जिले से निकल रहा है तो हमारे जिले के लिए बहुत बड़ी बात है। आइए उस पौधा को, इसका छांव रहेगा उस साइड का, इसका टेस्ट अलग होगा। फाइबर बहुत ज्यादा इसमें आपको मिलेगा, मिनरल से भरपूर है। और एक इसकी और खासियत है कि ये लाल आम होता है, ये थोड़ा सा लाल टाइप में आम होगा। बाकी आम आप देखते होंगे हरा होता है, पीला, लाल टाइप में है। अभी तो चूंकि आप अगस्त में हैं और साल में सिर्फ इसका एक बार आता है। पौधा लगाए पहले ये बताइए पौधा लाए कहाँ से? देखिए मेरा शौक ये था, इनिशियली तो मैं लोकल नर्सरी से लाना स्टार्ट किया था जब मेरी शौक थी। उसके बाद फिर हमारे कुछ कॉन्टेक्ट्स थे कोलकाता के अंदर जिनसे मैंने संपर्क किया और कई एग्जॉटिक वैरायटी जो कि इंपोर्ट किए हुए हैं उनको मैंने लाया, यहाँ पे मदर प्लांट तैयार किया और अब उन्हीं को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मेरा एक छोटा सा यहाँ पे नर्सरी भी है जिसके माध्यम से मैं लोगों को मुहैया कराता हूँ। आपके बारे में आसपास के गाँव में भी चर्चा चलता है कि तिवारी जी ने ये पौधा लगाया है और काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं, इसमें किसान आपसे किस टाइप से आते हैं सीखने, उनको किस टाइप से आप बताते हैं? देखिए इनिशियली जब हमने लगाया बहुत सारे किसान यहाँ पे आए और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की और इसी बीच में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड केंद्र सरकार की योजनाओं से भी कई सब्सिडी स्कीम हमारे यहाँ चल रही हैं जिसमें उद्यानिकी के अधिकारी भी उनको मदद करें। ऐसे में हमारे यहाँ लगभग अभी 150 से 200 एकड़ में फ्रूट फार्मिंग स्टार्ट हो गई है जिसमें लोग आम, अमरुद, नींबू, माल्टा और साथ ही साथ आंवले की खेती यहाँ पे किसानों ने बड़े पैमाने पे चालू कर दिया है और उम्मीद है कि 1-2 साल के अंदर उनकी फसल आएगी और एक अच्छा मुनाफा क्षेत्र के किसानों को मिलेगा। तो अगर फल की खेती करके लोगों आपको किस प्रकार के बेनिफिट मिलता है? जेन्युइन तो मुझे एक कमर्शियल बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन एक किसान जो कि इसका फार्मिंग करता है अगर पर एकड़ की बात करूँ तो लगभग 4 से 5 लाख रुपये वो आसानी से साल भर में अपना कमा। जमीन होती है उसमें अंतर्वर्तीय फसल लगाकर भी एक अच्छा मुनाफा किसान कमाते हैं। साथ ही साथ जो मेड़ होती है जहाँ पे घेरा लगता है वहाँ पे महोगनी, लाल चंदन या अगरवुड जिसको कहते हैं कि एक ऐसा पौधा जो जिसका कीमत हीरे और सोने से ज़्यादा है। रुबी जी मैं आपको एक छोटा सा चीज़ कहूँ, आप कभी गूगल करके देखिएगा, एक हमारे देश में एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम अगरवुड है और इस पौधे का जो सेलेबल पोर्शन होता है, पूरे पौधे की बात नहीं कर रहा हूँ, सेलेबल पोर्शन होता है उसकी कीमत जो है वो सोने से ज़्यादा है। हमारे देश में सोने की कीमत लगभग 50 से 55 लाख रुपए की है और उसका जो कीमत है 1 केजी सेलेबल पोर्शन का वो लगभग 75 से 78 लाख रुपए पर केजी का है। तो ऐसे पौधों को भी लगाकर किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ग्रेजुएट होकर आप किसान के ओर एक रास्ता चुने, आप अभी नई पीढ़ी को आप क्या रुझान देंगे? रोबी जी ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ तो आज हम सब काम कहीं ना कहीं पैसे के लिए करते हैं और कृषि मैं एक किसान बनकर ना अगर कृषि उद्यमी बनकर हम काम करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कमाई नहीं होगी। अगर मैं 5 एकड़ की इनकम की बात करूं तो तकरीबन अगर अच्छे से खेती की जाए तो 20 से 25 लाख रुपए तक आसानी से कमाया जा सकता है। और अगर पर मंथ की मैं बात करूं तो विदाउट टैक्स, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम जो होता है टैक्सेबल नहीं है इंडिया के अंदर,
और अगर मैं विदाउट टैक्स की बात करूं तो लगभग आप 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ की एक इनकम कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वहीं जैसे जैसे खेती करने वालों की संख्या बढ़ती है वैसे ही इनकम भी कम होता जाता है। इस युवक ने उसमें भी एक नया खोज किया और लोगों को अधिक से अधिक फल की ओर रुझान करने के लिए खुद के भूमि में एक रिसर्च सेंटर खोला और इस क्षेत्र के जलवायु में उत्पादन देने वाले फल का एक रिसर्च कर लोगों को बताया और इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे कृषक हैं जो बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी की अमरूद की खेती करवा रहे हैं तो कई फूलों की खेती भी कर रहे हैं। सच्चिदानंद तिवारी ने खेती में भी प्रॉफिट को खोजा और यही कारण है कि उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरी छोड़कर एक सफल किसान बनने का प्रण लिया। साथ ही अब अन्य लोगों को भी खेती की ओर रुझान बढ़ाने जागरूक भी करने लगे हैं। नर्सरी तैयारी किए हैं, नए पीढ़ियों को अब क्या कहेंगे? देखिए, जो किसान को जो लोग समझते थे कि खेती किसानी में फायदा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आज अगर आप नए तकनीक के साथ जाते हैं तो कृषि आज के डेट पे एक उद्यम हो गया है, एक व्यापार हो गया है। तो आप एक किसान के रूप में खेती के साथ नहीं जुड़िए, आप अगर एक उद्यमी के रूप में, एक व्यापारी के रूप में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो निश्चय ही इसमें बहुत ही फायदे हैं। तो युवा पीढ़ी जो आज अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद बेरोजगारी का ब्लेम करता है, देखिए हम भारत एक ऐसा देश है जहाँ हम बहुत लकली पैदा हुए हैं, क्योंकि यहाँ आप जब एक वोट देते हैं ना तो आप कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, आपको उनको ब्लेम करने का एक अधिकार मिल जाता है। हम हर अपनी समस्याओं के लिए सरकार को ब्लेम करते हैं, हम कहते हैं बेरोजगारी इतना है, बेरोजगारी उतना है, कहीं कुछ नहीं है सर। आप ऑनेस्टली अगर फील्ड में आते हैं और आप ईमानदारी से खेती में मेहनत करते हैं तो मैं आपको बता दूं अच्छे अच्छे कॉरपोरेट सेक्टर से अच्छी कमाई आप यहां कर सकते हैं। और इसका जीवंत उदाहरण है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने विदेशों में पढ़ाई की है, अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में रहे हैं और आज वो छोड़कर खेती कर रहे हैं और यहाँ पे लाखों करोड़ों की इनकम कर रहे हैं, वो भी टैक्स फ्री। मतलब एक कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में धान की खेती के अलावा सब्जी की खेती, फल की खेती करता अच्छा बेनिफिट रहे किसानों के लिए? डेफिनेटली रहेगा। और यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, धान की खेती यहाँ पे बहुत ज्यादा आती है, उसमें भी आपको तकनीक के साथ जाने की जरूरत है। रोबित जी, मुझे नहीं पता कितने लोग फॉरबिडन राइस के बारे में जानते हैं, एक ब्लैक राइस होती है, पहले के राजा महाराजा उसको खाते थे, आम पब्लिक को मिलती नहीं थी। आज अगर यहाँ पे किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में फॉरबिडन राइस, ब्लैक राइस का वो करते हैं तो दिल्ली जैसे मार्केट में वो 400 रुपए केजी में बिकता है, तो उनसे उनकी आय बढ़ सकती है। हमारे बलरामपुर जिले में ही चांगरो एक जगह है जहाँ की जीरा फुल राइस एक्सपोर्ट हो रही है। तो आप कोई भी चीजें करें उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको वैल्यू एड कर। दूसरा चीजें मैं बताऊं कि ऑर्गेनिक खेती करने का एक बहुत बड़ा फायदा है। देखिए हमारे देश में 1967 के आसपास बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और उस समय हमारे देश में एक नया तमगा दिया गया जिसको बोले ग्रीन रेजुलेशन, जिसने मुझे काउंटलेस पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया। आज आलम यह है कि उपज बढ़ाने के अंधाधुंध में जब अपन वो कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी सॉइल फ्लोरा खराब हो रही, हमारा मिट्टी खराब हो रहा है और यही वजह है कि पानी की जो स्कार्सिटी भी है उसका सबसे बड़ा कारण है, जो क्लाइमेटिक चेंज आप देख रहे हो उसका सबसे बड़ा कारण। तो मैं तो किसानों को कहता हूं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, इससे आपको मुनाफा भी होगा और आने वाले भविष्य के लिए आपकी मिट्टी, आपका जलवायु, आपका पानी भी सुरक्षित रहेगा। एक और सर, आप लंबे समय से नर्सरी का काम कर, आपको शासन से कैसा फायदा मिलता है? देखिए यहाँ पे शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, विशेषकर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का ज्यादा लाभ मुझे मिला है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की एक योजना है यहाँ पे जिसमें कि किसानों को उनका बाउंड्री बोर, ड्रिप, पौधा प्लांटेशन, लेबर कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट सारे में 50% की सब्सिडी केंद्र सरकार देती है। साथ ही अगर पॉली हाउस जैसे सेटअप आप करना चाहते हैं तो उसमें भी हमारे पूरे भारत में 50% की सब्सिडी देती है। और आपको बड़ा जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे बलरामपुर जैसे छोटे जिले में अभी लगभग 200 एकड़ से ज़्यादा में फ्रूट फार्मिंग हो रही है, जिसमें आम, अमरूद, नींबू, आंवला और साथ ही साथ अभी लगभग 50 से 60 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की भी खेती यहाँ के किसान केंद्र सरकार की एनएचबी बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इस छोटे से। मैं किन किन वैरायटी के पौधे और कहाँ कहाँ तक आपके पौधे जा रही हैं? देखिए रोबी जी, मेरे यहाँ तो लगभग सभी तरह के फलदार और फूल के पौधे मिलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्जॉटिक पे हमारी एक्सपर्टीज है, आम की लगभग मेरे पास 70 वेराइटी हैं जो कि एग्जॉटिक हैं। उसके बाद एप्रिकार्ड, एवाकाडो, ऐसे करके तमाम जो आपने फल सुने होंगे
वो सारे का कलेक्शन हमारे यहाँ है। साथ ही फूल में हम लोग बल्क में गुलाब का, जरबेरा का, कार्नेशन फ्लावर का कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी हम बाहर से मंगा के देते हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमारी नर्सरी में हम वही किसानों को मुहैया करें, अगर किसान की रिक्वायरमेंट इस क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार दूसरे पौधे की भी है तो हम उनको मंगा कर उनको उपलब्ध कराते हैं। मैंने आपको तिवारी जी से रूबरू कराया जो बीटेक करके किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं, प्लस में कई किसान को साथ भी दे रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम साथ में हैं, अब खेत पौधा लगाइए, फल हम ही खरीदेंगे। बलरामपुर से रॉबर्ट गुप्ता, अवतार मीडिया।